उपमंडल नूरपुर की पंचायत खनी चिकली खनी उपरली तथा धोगड़ा में रात को हुई भारी बारिश ने जमकर कहर बरपाया है, जिसमें किसानों की भूमि फसल और रास्ते को भारी नुकसान हुआ है। सुबह करीब 3 बजे खरोड मार्ग से अचानक बादल फटने से खनी उपरली और खनी चिकली पंचायतों में पानी का भारी सैलाब आया, जिससे संपर्क मार्गों के साथ साथ फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। वहीं थोगड़ा पंचायत के गुलोड़ थोगला जंबल खड नाला में भारी पानी का सैलाब आने के कारण पानी के नाले से उफान होता हुआ पानी साथ लगती जमीनों में जा पहुंचा और जमकर उत्पात मचाया। पानी के भारी सैलाब से खरोड मार्ग के 2 गुज्जर परिवारों के 3 गौवे लापता है, जबकि 1 गौ गंभीर रूप से चोटिल हुई बताई जा रही है। वहीं दोनों परिवारों की फसल को भी काफी नुकसान हुआ है। प्रभावित हुई सुकरदीन तथा जूसुफ दीन ने जानकारी देते हुए बताया कि रात में बादल फटने से उनकी 3 गौवें लापता हैं, जबकि 1 गौ चोटिल हुई है, जिसमें उनकी फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। गलोड़ करोड़ गांव को आने वाला नागाबाड़ी बदूही बाया रेत घर खरोड मार्ग करीब 4 जगहों से भूमि कटाव के चलते पूरी तरह से बंद है। वहीं गांव में बिजली और पानी पीने की व्यवस्था भी पूरी तरह से ठप हो गई है। थोड़ा की पंचायत लाइफलाइन कहा जाने वाला नागबाड़ी बदूही गलोड बाया रेत घर खरोड मार्ग करीब 5 जगहों से भूमि कटाव के चलते पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है और गांव में बिजली पानी की व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है। वहीं मलाहड़ी के हरिजन बस्ती के संपर्क मार्ग का भी भारी नुकसान हुआ है। शहीद संतोख सिंह मार्ग पर बनी पुली भी ध्वस्त होने से लोगों की रफ्तार ठहर गई है, जिससे संबंधित विभाग दुरुस्त करने में जुट गए हैं। लोगों का कहना है कि वक्त से पहले लोक निर्माण विभाग जागा होता तो निकासी व्यवस्था सही होती तो जो सड़क पर भारी नुकसान हुआ है उससे बचा जा सकता था। क्षेत्र में हुई भारी बारिश का सबसे बड़ा असर गांव थोड़ा में भी देखने को मिला, जिसमें किसानों की उपजाऊ भूमि फसल व सब्जियों सहित सैलाब की भेंट चढ़ गई। प्रभावित हुए किसान जूसुफ दीन शुक्रदीन रमेश राणा मान सिंह विचित्र सिंह रण सिंह आदि अनेकों किसानों ने बताया कि खरोड में सुबह 3 बजे आकाश से एक जोरदार धमाका हुआ। उन्होंने कहा कि बादल फटने से निचली तरफ पड़ते गलोड नाला में जबरदस्त बाढ़ आई, जिसमें बाढ़ थ्रोड़ा के बरसात के पानी ने भारी कहर बरपाया, जिसमें नाले के साथ लगती किसानों की उपजाऊ भूमि पानी की भेंट चढ़ गई। वहीं निजी सिंचाई कुएं फसल हरा चारा मक्की व धान की फसल सहित बरसाती सब्जियों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि उनके हुए नुकसान का शीघ्र आंकलन करवाकर उन्हें उचित मुआवजा प्रदान किया जाए व बंद पड़े संपर्क मार्गों और बिजली व पानी की आपूर्ति अतिशीघ्र मुहैया करवाई जाए। एक मिनट। हाँ जी श्रीमान, मैं बचित्र सिंह सोनाव श्री दयाराम हरजन बस्ती का हूँ और मैं एससी से संबंध है मेरे और एससी का हूँ मैं, और मेरा इतना नुकसान हुआ है कि सर मेरी जो मलकी थी भूमि बह गई है और उसमें जितनी मक्की थी 3-4 कनाला वो भी बह गई है। उसके बाद नीचे मेरा उपजाऊ भूमि थी धान खेती, जिसमें कि बहुत सारा नुकसान हुआ है। उसमें मेरा पक्का पोर्शन शेड मकान बना हुआ था पंप हाउस और उसमें मोटर फिटी और पूरा बह गया है और मेरा इतना नुकसान हुआ है कि मैं उसकी पूर्ति अकेला आदमी नहीं कर सकता हूं। मेरी प्रशासन से उम्मीद है और मेरा उनसे कहना है कि इसको जल्दी समाधान करें और बाद में उधर कोई बस्ती रहती है पंडतों की बस्ती है, उसमें कोई 200 आदमी रहता है, उन आदमियों को जान का खतरा है, रात को पानी घुसने से उनको मरने का खतरा है। उस भूमि को ऐसा बनाया जाए कि वो आदमी दोबारा ऐसी नौबत न आए और उन आदमियों को इतना रात को सोना नहीं मिल रहा है कि रात को अगर इतना पानी आ जाए हम बच्चे को लेकर के और इन औरतों को लेकर के कहाँ जाएंगे कि वो बिल्कुल बिल्कुल खतरे के निशान से हो गया उधर में। हम तो प्रशासन से यही चाहते हैं कि ये जो हमारा जो थोड़ा नाला है गलोड़ से चलता है ये और गलोड़ से लेकर थोड़े में आके ये तबाही मचाता है। यहाँ सबसे पहले हमारे जो कुम्हारों के घर हैं, इनका जो पैर है, इनकी जो जमीन है, जिसमें मान सिंह वगैरह हैं, अपने अपना देवराज जी हैं, प्रेम जी हैं, करमचंद जी हैं, इनके बहुत ज्यादा नुकसान है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाओ तो रमेश चंद सोना बचित्र सिंह बिशंबर सिंह हमारे चैन सिंह, उसके थोड़ा सा नीचे चले जाओ तो हमारा बचित्र सिंह सन ऑफ दयाराम, उसके आगे हमारा रण सिंह सन ऑफ मान सिंह, उसके आगे रण सिंह की सब कम से कम बहुत ज्यादा सब्जी का नुकसान हुआ है, विजित सिंह की कम से कम 2-3 कनाल मक्की बह ही गई है, उसके बाद
जितने भूले ना चमन लाल साहब धर्म सिंह, इसका काफी नुकसान हुआ है। उसके ऊपर आप नीचे चले जाओ तो बजित सिंह का जो पंप हाउस है, बजित सिंह साहब धर्म सिंह का वहाँ पंप हाउस है, उसका काफी नुकसान हुआ है। उसका शेड था लेंटर पोश, वो एक तरफ से बह गया है। अगर वो शेड लेंटर नहीं होता तो वो पूरी बस्ती बह जाती। उस जो पंडितों की बस्ती है, उसमें दो तीन घर ऐसी कोटे के भी हैं, वहाँ इतना 200 आदमी रहते हैं। अगर वो क्रेट वर्क नहीं होता या वो पंप हाउस नहीं होता तो वो सारी बस्ती बह जानी थी। उसके आगे मेरा अपना पुरुषोत्तम प्रकाश का ट्यूबवेल है, वो सारा बह गया है। उसके आगे बिजली का, बिजली बोर्ड का खंभे लगे हुए हैं, वो बह हैं। उसके आगे IPH ने एक ट्यूबवेल बनाया था अपना पंप हाउस, वो सारा क्रैश बह गया है। उसके आगे संसार सिंह खत्म हो गए हैं, उनके बेटे सेवा सिंह, पूर्ण सिंह बहरा जो है, उनका जो कुआं था उसके चारों तरफ पानी बह रहा है और वो पंप हाउस भी सारा चला गया है और उसका बहुत सारा नुकसान हुआ है। तो मैं तो प्रशासन से ये चाहता हूँ कि प्रशासन इस नाले को चैनलाइज करे, कम से कम भी ये बहुत ही भले का काम होगा। अगर ये चैनलाइज नहीं हुआ तो ये बस्ती भी चली जाएगी और ये लोगों की जमीनें भी चली जाएंगी और बहुत ज्यादा नुकसान होगा, लोगों को बहुत नुकसान है। तो मैं प्रशासन से बार बार अपने मुख्यमंत्री जी से, अपने जिलाधीश महोदय से, अपने विधायक जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि इस काम को जल्दी से जल्दी प्रायोरिटी भी करें, क्योंकि अगली बारिश का ये संभलने का मौका नहीं देगी। अगर अगली बारिश आई तो मुझे तो उस बस्ती का ही खतरा है कि बस्ती भी चली जाएगी, तो बाद में ये चेक बांटते फिरेंगे तो उस चेक को कोई फायदा नहीं होगा। तो मैं तो यही चाहता हूँ प्रशासन से। मेरे संस्थान बचित्तर सिंह, मैं जहाँ का रिहायशी रहने वाला हूँ, इतनी त्रासी हुई है एक जंगली जानवरों से, दूसरे वारा पशुओं से, अब प्राकृतिक की मार से, कोई फसल का कोई नामो निशान और मारा, कोई रोजी रोटी का कोई साधन नहीं। सरकार 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही है, कोई भी प्रशासन का आदमी पूछने वाला नहीं है कि आपके साथ क्या हो रहा है। और सारा खेत को देखो, एक कोई आगे जो पशु हमने रखे हैं उनके लिए चारे के लिए मुश्किल, हमारे लिए खाने के लिए मुश्किल, सामने खेत में नाले बह रहे हैं।